फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ से, वन ईमानिहिम व अन शमाइलिहिम। अच्छा, सीधे हाथ से है, सीधे हाथ से अरबी में, अरबी अदब में सीधा हाथ इस्तेमाल होता है अच्छे कामों के लिए, और सीधा हाथ इस्तेमाल होता है जिम्मेदारियों के लिए, तो जिम्मेदारियां और अच्छे काम। अब इबलीस अजीब बात कर रहा है, मैं अच्छे कामों को भी इनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। क्या मतलब है इसका? कोई अच्छा काम करता है और वो अच्छे काम की बुनियाद पर समझने लगे कि मैं क्योंकि ये अच्छे काम कर रहा हूँ, कोई औरत समझे कि मैं पहले मैं पर्दा नहीं करती थी, फ़र्ज़ करें उसने पर्दा शुरू कर दिया, अब वो पर्दा शुरू करने की वजह से वो जो सारी उसकी सहेलियाँ थी या फैमिली में थी जो पर्दा नहीं करती, उनको ऐसे यानी घटिया नज़र से देखना कि ये इनको देखो, इनको कोई शर्म ही नहीं है, इनको क्या है, ये इनको तौबा करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसके दिल में एक बढ़तरी आ गई और वो कमतर हो गए इस अच्छाई की वजह से, अच्छाई की बुनियाद पे। राइट, असल में इब्लीस की बर्तरी क्या थी? उसने खिदमत की थी ना अल्लाह की, और ज़मीन पे डालने का मकसद क्या था? अल्लाह की खिदमत। तो वो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि इंसान कभी कभी अपनी नमाज की बुनियाद पे, दाढ़ी की बुनियाद पे, पर्दे की बुनियाद पे, इल्म की बुनियाद पे, अपने आप को या अपनी बदतर समझता तौबा की है। बुनियाद पे कि मैं ये तो मैं करता नहीं हूँ, मैं पहले करता था, अब मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं ये नहीं करता, उसकी बुनियाद पर अपने आप को बेहतर समझने लगे, या किसी और अपने और कोई ये भी कहता है नहीं नहीं मैं अपने आप को बेहतर नहीं समझता। ठीक है, आप अपने आप को बेहतर नहीं समझते, आप दूसरों को तो कमतर नज़र से देखते हो। आपको किसी की गलती की बुनियाद पर हम किसी को वैल्यू नहीं करते, हमें गलती से नफरत है, इंसान जो गलती कर रहा है उससे नफरत नहीं है, गलती हकीकी चीज़ है, वो हर एक से होती है। तो हम पता ही करते हैं लोगों को गलत चीज़ करते देखें या गलत बात करते देखें, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह के मायने क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह के मायने मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनको देखो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लफ्ज़ भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लफ्ज़ भी हम तकब्बुर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी इस्तेमाल होता है ये। तो ये सीधे हाथ से अपने अपनी अच्छाइयों को बरतरी का एक टूल बना लेना। फिर सीधे हाथ से एक और चीज़ भी है कि जब इंसान अच्छे काम करता है तो शायद उसको ये गुमान हो जाए कि मैं तो अब ठीक हूँ, अब तो मैं तो खैर अब नमाज भी पढ़ रहा हाँ, हूँ मैं तो और सीधे रास्ते पे मैं तो हूँ। सीधे रास्ते पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सीधे रास्ते पे डाल दिया, अल्लाह करे कि और लोगों को भी सीधे रास्ते पे, यानी आप सीधे रास्ते से ग्रेजुएट हो गए, बाकी सब अभी अभी जो है वो एप्लीकेशन भर रहे हैं अपनी। तो इंसान को ये गुमान हो जाता है कि वो अपनी अच्छी अच्छे अमाल की वजह से वो अच्छा हो गया है, जिस तरह हम बुरे अमाल की वजह से बुरे नहीं हो जाते, ये भी बात मैंने समझा दी थी, हम अच्छे अमाल की वजह से अच्छे भी नहीं हो जाते। इंसान अच्छाई और बुराई बुराई का मिक्स है, उसको अच्छे काम करते रहना चाहिए, बुरे कामों से बचते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी उसकी जो वैल्यू है, जो उस अल्लाह ताला के नज़दीक उसकी कदर है, वो ऊपर नीचे हो सकती है, हमें नहीं मालूम किस किस वक्त क्या कदर है हमारी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी अजीम खिदमत अल्लाह ताला के दीन की है कि उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, उन्होंने काबा बनाया है। अंदाज़ा करें उसके बाद से किसी ने, उस वक्त से अब तक कोई भी नमाज़ पढ़ेगा, कोई भी हज करेगा, कोई भी उम्रा करेगा, एक दफ़ा भी जिक्र करेगा क़िबले की तरफ रुख करके, उनको उसका सवाब सवाब जा रहा है, जाएगा। और वो बनाते वक्त कहते हैं रब्बना तकबल मिन्ना, मेरे रब मुझसे ये कबूल कर लें, व तुब अलैना, मैं मेरी तौबा कबूल कर लें, यानी मैं ये खिदमत तो कर रहा हूँ दीन की, लेकिन पता नहीं ये मेरे लिए काफ़ी होगा कि नहीं। लेकिन दाएं हाथ से हमले करने का मतलब है वो इंसान समझे कि मैं तो ठीक हूँ, अब मेरा अकीदा भी ठीक है, मेरा इल्म भी सबसे बेहतर है, मैं सब चीज़ समझ चुका हूँ, बाकी सब बेचारों को समझने की ज़रूरत है, इनको अगर समझ आ जाए, मेरी तरह इनको हिदायत मिल जाए तो क्या ही बात हो। तो ये दाएं तरफ से हमला करेगा, और ये अजीब चीज़ है कि ये हमला लोग ऐसे लगते हैं कि वो दीन को फॉलो कर रहे हैं, वो खुद भी अपने आप को आईने में देखें कि वो मजहबी हैं, लेकिन उन पर यह हमला हो रहा है। हम समझते हैं शैतान का हमला हो रहा है जो बहुत मॉड हो चुके हैं या नमाज छोड़ दी है या अल्लाह रसूल की बात, ये अल्लाह रसूल के नाम लेने वाले हैं, ये कुरान पढ़ने वाले हैं, इन पर दाएं हाथ से हमला होता है, वान शमाइलिहिम, और फिर उल्टे हाथ से भी हमला। उल्टे हाथ से हमला का मतलब उल्टा हाथ इस्तेमाल होता है गलत कामों के लिए, यानी गलत चीज़ को अच्छा दिखाना, यानी होगी अल्लाह की नाफरमानी, नाफरमानी का मतलब है गुनाह है, इसयान है, सय्यात हैं, बदसूरत अमाल हैं, ये इसके बदसूरत अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कुरान में। शैतान क्या करेगा, ज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम, बाएं हाथ से आएगा और कहेगा नहीं इसको तो आज़ादी कहते हैं, यानी काम गंदा है लेकिन नाम उसका अच्छा दे देना, ये तो मैं अपने दिल की बात मान रहा हूँ,
ये तो मेरी आज़ादी है, ये तो खुशी, क्या मैं खुश नहीं हो सकता? इंसान अपनी खुशी के लिए भी कुछ ना करे, यू नो? और या ये तो हमारा ट्रेडिशन है भाई, सब करते हैं, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल, खुशी, आज़ादी, अच्छे अल्फाज हैं, कौन कहेगा नहीं आपको जी आज़ादी तो नहीं होनी चाहिए, यू नो? शैतान लेफ्ट साइड से आता है, बाएं हाथ से आता है, और गलत कामों को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, हमारे जहन में बुरे काम अच्छे लगने लगे। जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उसको आप जो भी अल्फाज दे दें, प्यारे से प्यारे अल्फाज दे दें, वो गंदी चीज़ रहेगी।